सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आईफोन 12 सीरीज आईफोन 12 सीरीज एक ऐसा दोस्तों स्मार्टफोन सीरीज है जिसको दोस्तों हम लोग सब देखने के लिए बेचैन है, भले हम लोग लें चाहे ना लें। लेकिन ये सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में जानना, इनके फर्स्ट लुक या फिर दोस्तों कुछ भी रेंडर्स ऑफिशियल चीज यहाँ पर दोस्तों देखने या सुनने में अच्छा लगता है यार, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो होते हैं दोस्तों ये दोस्तों इनोवेशन लेके आते हैं। और दोस्तों एप्पल का दोस्तों वैसे ही बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, चाहे कोई ले चाहे ना ले, लेकिन जानना जरूर चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको iPhone 12 सीरीज के सबसे हाईएस्ट स्मार्टफोन iPhone 12 Pro Max के सारे स्पेक्स बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स जितने भी स्पेक्स हैं इंटरनेट पे काफी आजकल वायरल हो रहे हैं। इसके ऑफिशियल स्पेक्स दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कुछ हद तक ऐसे स्पेक्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अगर बात कर ले हम लोग स्क्रीन के बारे में, तो दोस्तों इस बार जो iPhone 12 Pro Max होगा ना पिछले साल के मॉडल से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। 6.7 इंचेस का आपको OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको PPI मिलेगी, 460 की PPI होगी। तो स्क्रीन काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, जहां पर दोस्तों आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि रिफ्रेश रेट अपने हिसाब से चेंज होगा। अभी 60 हर्ट्ज, कभी 90 हर्ट्ज, कभी 120 हर्ट्ज, ऐसे ऐसे चेंज होगा। तो 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको लेकिन मिलेगा जरूर। तो यार अगर हम लोग बात कर ले कैमरा सेटअप के बारे में, तो कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये बात को मैं क्लियर करता हूँ कि आप क्यों दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप का उम्मीद लगा के बैठे हैं, सब क्यों दोस्तों क्वाड कैमरा सोच रहे हैं कि आईफोन 12 सीरीज में आएगा, अभी क्लियर करता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको देखो पहली बात, जो तीनों कैमरे होंगे वो 16 मेगापिक्सल के होंगे, ठीक है। अब रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि आपको 14 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, 14 मेगापिक्सल के तीनों कैमरा होंगे, लेकिन दोस्तों ज्यादातर रिपोर्ट्स ऐसे ही कहते हैं कि 16 मेगापिक्सल के ही आपको कैमरा देखने को मिलेंगे, जो तीनों कैमरा एक ही कैमरा मेगापिक्सल के होंगे, जो दोस्तों आईफोन का यहां पर जो चलता है ना 12+12+12, वैसे ही दोस्तों 16+16+16। तो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 16 मेगापिक्सल का आपको दोस्तों वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा, और 16 मेगापिक्सल का दोस्तों यहां पर आपको टेलीफोटो देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों चौथा जो कैमरा मॉड्यूल है, जो कैमरा की तरह लगता है लेकिन असल में दोस्तों वो लाइडर सेंसर है, जो आपको ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में हेल्प करेगा, ठीक। यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा रेंडर्स बनाने वाले हैं, जो दोस्तों फैन मेड हो गए, जो फैंस होते हैं आईफोन्स के, वो दोस्तों कैमरा रेंडर्स निकालते हैं। अब दोस्तों जो जितने भी आप कैमरा रेंडर्स या फिर दोस्तों जो कोई भी आईफोन 12 सीरीज के रेंडर्स देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो सब दोस्तों फैन मेड है, कोई ऑफिशियल नहीं है। तो यार ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी फैन मेड रेंडर्स है वो ये बात सबके दिमाग में डाल दिए कि यहाँ पर 4 कैमरा देखने को मिलेंगे सबसे हायर वाले वेरियंट में। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 कैमरा नहीं रहेंगे, असल में 3 कैमरा रहेंगे, जो चौथा जगह खाली है वहां पर आपको दोस्तों एक लाइडर सेंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो यार अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर परफॉर्मेंस और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको iOS 14 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा OS है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी और भी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर एंड्रॉइड ये सिक्योरिटी में आते आते बहुत टाइम लग जाएगा इसको, क्योंकि दोस्तों iOS 14 गजब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप दोस्तों रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि iOS 14 क्या चीज़ है यार, गजब का चीज है। मैं देखा तो दोस्तों गजब, इसकी सिक्योरिटी इतनी भयंकर है ना कि मत पूछो। यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट, जो दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, स्मार्टफोन्स में अभी सबसे ज्यादा पावरफुल यही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके आगे स्नैपड्रैगन भी फेल हो जाते हैं, 875 को भी दोस्तों अच्छे से ही पछाड़ देगा, क्योंकि दोस्तों इसका स्पेक्स इतने अच्छे होते हैं कि यार इसको कोई अभी इतने जल्दी टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि एप्पल्स के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो दोस्तों एक अलग ही लेवल के दोस्तों आपको परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको फोर्थ जनरेशन का न्यूरल इंजन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों काफी अमेजिंग यार परफॉर्मेंस, मैं बातों से बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यार अगर बात कर ले प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 80,000 से 85,000 के रेंज में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा यूनाइटेड स्टेट में। ये यूएस का दोस्तों प्राइस बता रहा हूँ, फॉर्जनर कंट्रीज की प्राइस है। इंडिया में दोस्तों जाहिर सी बात है बहुत महंगे लॉन्च होंगे इन लोग। तो दोस्तों ये जो आईफोन 12 सीरीज है ना, अगर दोस्तों इसका लॉन्च डेट, अगर लॉन्च डेट की बात भी कर ले, तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन से आपको सितंबर के महीने में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। सितंबर में भी एप्पल का एक लॉन्च इवेंट है, अक्टूबर में भी एप्पल का एक लॉन्च इवेंट है, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको सितंबर में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों आपके पास आएंगे, क्योंकि दोस्तों एप्पल खुद यहाँ पर बोल चुका है कि आईफोन जो 12 सीरीज होगी इसकी अवेलेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप जान के रखो। और दोस्तों यहाँ पर आईफोन 12 सीरीज में दोस्तों आपको पुरानी सीरीज के मुकाबले आपको थोड़ी अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी,
थोड़ी ज्यादा एमएच की बैटरी मिलेगी। अब कितने एमएच की मिलेगी ये तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वाली बैटरी देखने को मिलेगी। तो यार चलो बात करते हैं हम लोग डिजाइन के बारे में। जो दोस्तों डिजाइन जो होगा ना वो दोस्तों काफी मिलता जुलता रहेगा आईफोन 11 सीरीज से, क्योंकि दोस्तों डिजाइन वाइज कोई ज्यादा मेजर अपग्रेड्स नहीं होंगे, काफी मिलता जुलता रहेगा पिछले साल के दोस्तों आईफोन से। और दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल हार्डवेयरली और सॉफ्टवेयरली दोस्तों अपग्रेड किया जाएगा इसको, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। तो यार जो यहाँ पर जो नॉच होगा ना वो भी काफी दोस्तों पिछले साल के नॉच से मिलता जुलता रहेगा, यहाँ पर बस दोस्तों चौड़ाई थोड़ी कम कर दी जाएगी, बाकी लंबाई वैसे ही रहेगा नॉच का। और दोस्तों नॉच का जो साइज है वैसे ही रहेगा, जो चौड़ा जितना स्क्रीन को कवर करता है उतना ही कवर करेगा, और नीचे भी स्क्रीन मुड़ी हुई रहेगी जिससे आपको चिन देखने को नहीं मिलेगा, वैसे ही दोस्तों डिजाइन रहेगा। और दोस्तों काफी शाइनी बैक रहेगा, तो दोस्तों पिछले साल के आईफोन्स की तरह कलर डल नहीं रहेगा, वैसे दोस्तों आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, पीछे शाइनी बैक रहेगा याद रखिएगा। और दोस्तों बस यही सब इंप्रूवमेंट्स के साथ ये आईफोन आने वाले हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों अभी देखो कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो दोस्तों एप्पल जानता है कि इस साल इनोवेशन ज्यादा करते नहीं है, नेक्स्ट ईयर के जो आईफोन 13 सीरीज होगी उसमें दोस्तों आपको बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और भी दोस्तों आपको वहाँ अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी होगा एप्पल का। तो दोस्तों वो आईफोन 13 सीरीज के लिए है, आईफोन 12 सीरीज के लिए आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स करके दे देगा। इस साल दोस्तों ज्यादा आईफोन वैसे भी सेल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इतना कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो कोई भी स्मार्टफोन्स आजकल इस साल में ज्यादा बनने में दिक्कत भी हो रही है, और इनोवेशन करने का टाइम भी नहीं है क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस पैंडेमिक है यार, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लग गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, ठीक है। और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप आईफोन 12 सीरीज में कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, आईफोन 11, 11 मैक्स, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, बताना मेरे को जरूर से कमेंट में, ठीक है। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ, तो आज मंडे है, बहुत अच्छे अच्छे टेक न्यूज आने वाले हैं, तो टेक न्यूज जरूर देखना 7:30 बजे शाम को। तो दोस्तों जरूर से मेरे को सपोर्ट करते रहिए, और दोस्तों मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में, चलिए बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।